कि ये वो कमरा है और ये वो डॉक्टर यहाँ पर बैठे हुए हैं जो कि यहाँ पर इस कमरे में अंडर रूल ये नहीं बैठ सकते, इस चेयर पर ये ड्यूटी नहीं दे सकते और इन पर्चियों पे जो ये दवाइयाँ लिखते हैं वो अंडर रूल ये नहीं लिख सकते हैं। उसके बावजूद भी ये किसकी मिली भगत है जिसके कारण कि ऐसे ऐसे डॉक्टर्स को यहाँ पर बिठाया गया है और ये शरेआम यहाँ पर लोगों के साथ यहाँ पर खिलवाड़ हो रहा है, जबकि इस अस्पताल में 15 डॉक्टर्स की तैनाती है और लाखों के हिसाब से उनको गवर्नमेंट तनख्वाह दे रही है। पूछना चाहेंगे हम LG प्रशासन से, पूछना चाहेंगे हम अपनी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से, DC मैडम से, अपने SDM से हम पूछना चाहेंगे कि एक बार अगर आप कटरा हॉस्पिटल का औचक दौरा यहां पर करें तो आपको पता चलेगा कि यहां पर स्थिति क्या है। 22 नंबर कमरा जो है, जो कि कटरा हॉस्पिटल की एक रीढ़ की हड्डी माना जाता है कमरा, जिस कमरे में पूरे कटरा के मरीज जहां पर चेक किए जाते हैं, आज उस कमरे में भी एक ऐसे डॉक्टर को बिठाया गया है जो कि एक आयुर्वेदिक डॉक्टर है और वो ही मरीजों को यहां पर अटेंड कर रहा है। रुख करेंगे BMO के कमरे का, यहाँ पर अंदर जाने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि BMO साहब यहाँ पर क्या कर रहे हैं और उनका क्या कहना है। तो साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि BMO साहब की कुर्सी भी यहाँ पर खाली पड़ी हुई है। स्टाफ ऑन नाइट ड्यूटी 29/9/2022 का ये रोस्टर यहाँ पर चेंज नहीं किया गया है। इसी से यहाँ पर अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस अस्पताल की जो सिस्टम है, इस अस्पताल का जो सिस्टम है, जो डॉक्टर्स का जो यहाँ पर सिस्टम है या फिर इनके सीनियर ऑफिसर्स का क्या सिस्टम है, यहीं से पता चल सकता है कि यहाँ पर कटरा की जनता के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ जो है वो हो रहा है। तो पहले हम सुबह 11 बजे अभी इधर आए तो डॉक्टर कोई नहीं आया था, एक मैडम आई हुई है, एक और नर्स ही हो, उसको बोला ड्रिप लगाने के लिए, वो बोल रही मैंने आया फास्ट रखा है, मैं ड्रिप लगाऊंगी नहीं आऊँ। मैं बोला ठीक है आप नहीं लगाओगे, ये तो है कटरा की एक मैडम जो लोकल है यहाँ से, उनको बोलो उन्होंने लगाई आग के ऊपर आगे, नहीं तो कोई दिखा दिन का आ रहा कोई भी है। करवा चौथ का दिन है तो आज डॉक्टर जो हैं यहाँ के कटरा अस्पताल के, जहाँ डॉक्टर हो या फिर नर्सिंग स्टाफ हो, वो सारे का सारा आज जो है वो करवा चौथ मना रहा है और फिलहाल इन मरीजों को यहाँ पर भगवान के भरोसे, सबसे बड़े डॉक्टर के भरोसे यहाँ पर छोड़ा गया है। कटरा CHC के जनरल वार्ड में अभी हम स्थित हैं, यहाँ के अंदर का नज़ारा हम आपको दिखाने जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैक्सिमम पेशेंट जो हैं वो डेंगू के यहाँ पर पेशेंट्स हैं और एक एक बेड पे दो दो पेशेंट भी यहाँ पर लेटे हुए हैं। ये देख सकते हैं कि एक मदर और उसकी बेटी जो है वो एक ही बेड पे लेटी हुई हैं। ये बच्ची जो है ये पिछले 7-8 दिन से इसका यहाँ पर ट्रीट किया गया था, पर आज की अगर हम बात करें तो इस बच्ची को ऊपर जाओ नीचे जाओ इस प्रकार से इनको यहाँ पर ट्रीट किया जा रहा है। ये पेशेंट यहाँ पर लेटे हुए हैं, इनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार यहाँ पर जो सर्विसेज जो हैं, जो गवर्नमेंट ने बोला हुआ है कि हर प्रकार की सर्विसेज इस हॉस्पिटल में मरीज़ को मिलनी चाहिए, क्या इनको वो सर्विसेज यहाँ पे मिल रही हैं या नहीं मिल रही हैं, आइए इनसे बात करते हैं। पहले तो आप ये बताएं कि आप यहाँ पे एडमिट क्यों हुए हैं। मेरे को ना डेंगू हो गया, बुखार आ रहा है 3-4 दिन से जी। तो पहले हम सुबह 11 बजे अभी इधर आए तो डॉक्टर कोई नहीं आया था, एक मैडम आई हुई है, एक और नर्स ही हो, उसको बोला ड्रिप लगाने के लिए, वो बोल रही मैंने आया फास्ट रखा है, मैं ड्रिप लगाऊंगी नहीं आऊँ। मैं बोला ठीक है आप नहीं लगाओगे, ये तो है कटरा की एक मैडम जो लोकल है यहाँ से, उनको बोलो उन्होंने लगाई आग के ऊपर आगे, नहीं तो कोई दिखा दिन का आ रहा कोई भी। तो कोई सीनियर डॉक्टर यहाँ पे चेक करने आया आपको? कोई नहीं आया, कोई सीनियर डॉक्टर कोई नहीं आया। अच्छा, तो ट्रीटमेंट जो हो रहा है वो कैसे हो रहा है? ऐसे ही है, नहीं रेमी है कोई नहीं, किसी को बोल रहे, एक छोटी सी बेटी है वो पहले नीचे गई 3 बार, फिर उन्होंने बोला ऊपर जाओ आपकी बाढ़ ऊपर है, कोई किसी को वो नहीं कर रहा है, देख रहा है एक मैडम जो लोकल है वही देख रही है, आगे बस हम लोकल कटरा की है वो देख रही है सबको, बस स्टाफ ने रखा है, हम BMO पास कर जाते हैं उनके पास, उनको बताते हैं, वो भी नहीं है इधर। अच्छा, वो खुद भी नहीं है, कोई नहीं है ना, कुछ कोई नहीं है। मेरे आए सर कोई 9 बजे आए थे जी, ठीक है, उसके बाद इतने कोई नर्स नहीं, कोई डॉक्टर है बेचारे, और उन्होंने एक नर्स है बेचारी उसे फ़ोन करिए घर सद्या गया, फिर उन्हें ऐसे ग्लूकोज लाया। अच्छा। और फिर उन्हें पूरा ट्रीटमेंट किया, अंदर सानू वो नहीं होया, टेस्ट नहीं हुआ, फिर असें 12 कराया 900 रुपये का। अच्छा। वो भी शामी 8 बजे लगभग। टेस्ट केड़ा केड़ा टेस्ट नहीं होया? उन्होंने टेस्ट सर आखा डेंगू का लिखे था, बाकी इतने नहीं होया, आखा 12 इतना बंद करुड़िया, फिर 12 कराया असें प्राइवेट। अच्छा। शामी 8 बजे लगना। ठीक है, हाँ जी। पाए थे आप यहाँ पे?
सर हम सुबह ही आए थे जी। तो क्या परेशानी है पेशेंट को? पेशेंट को हमने दिखाया था डॉक्टर को कल। अच्छा, तो इनको टेस्ट रिपोर्ट आई है, डेंगू आई है पॉजिटिव जी। तो अभी इनको एडमिट किया आज यहाँ पे जी। हाँ, तो कोई डॉक्टर या कोई कोई आया यहाँ? अभी तक डॉक्टर कोई नहीं आया, कोई स्टाफ यहाँ पर नहीं है। कितना स्टाफ है आपके इस वार्ड में? है नहीं, यहाँ पे दिख रहा है कोई? कोई नहीं दिख रहा है, कोई नहीं दिख रहा है। तो एक दो नर्स है बस जी। हैं कि हॉस्पिटल के जो दो जनरल वार्ड्स हैं यहाँ पर कि पेशेंट को एडमिट किया जाता है और उनका ट्रीटमेंट वहाँ पर किया जाता है, उन दो जनरल वार्ड्स के लिए यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही नर्स है, जो कि ये जितने पेशेंट्स हैं एक एक बेड पे भी दो दो पेशेंट्स का ट्रीटमेंट जो है सिर्फ और सिर्फ एक नर्स द्वारा किया जा रहा है। ये हालात हैं कटरा CHC के कि यहाँ पर इतने डॉक्टर्स होने के बावजूद भी यहाँ पर दो डॉक्टर्स के, वो भी आयुर्वेदिक डॉक्टर्स के सहारे ये हॉस्पिटल जो है वो आज चल रहा है। इन दो जनरल वार्ड्स की तो जो जिम्मेदारी है इन पेशेंट्स को संभालने की, अमूमन तौर पर हमने पता किया तो यहाँ पे पता चला कि दो नर्सिंग स्टाफ और दो वॉलेंटियर्स, टोटल चार स्टाफ्स की यहाँ पर ज़रूरत रहती है, जिनमें से कि सिर्फ और सिर्फ एक जो है नर्सिंग स्टाफ का मेंबर आप देख सकते हैं अंदर लगा हुआ है। और यही मैडम जो है, यही आज इनकी डॉक्टर है, यही आज इनकी नर्स है, और इन्हीं के सहारे जो है आज ये दो वार्ड्स जो हैं वो कटरा के चल रहे हैं। हम आपको बताते चले कि ये हॉस्पिटल का 20 नंबर रूम है, ये पूरा खाली पड़ा हुआ है। उसके बाद आप देख सकते हैं ये 34 नंबर है, सर्जिकल OPD यहाँ पर डॉक्टर बैठते हैं, ये यहाँ पर पूरा खाली पड़ा हुआ है। उसके बाद आप देख सकते हैं ये गायनी OPD है, वो यहाँ पर बिल्कुल खाली पड़ी हुई है। देख सकते हैं कि आप, ये भी खाली पड़ी हुई है। आगे हम आपको बताएंगे, एक और हम आपको बताएंगे कि डेंटल वाली सेक्शन जो है वो भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर वो भी यहाँ पर खाली पड़ी हुई है। कोई भी डॉक्टर या फिर कोई भी स्टाफ यहाँ पर आज मौजूद, एक OPD यहाँ पर एक डॉक्टर जो है वो मौजूद हैं और पेशेंट्स को यहाँ पर अटेंड किया जा रहा है। सिर्फ और सिर्फ अभी तक एक ही डॉक्टर हॉस्पिटल में मिला है हमें, जो कि बच्चों के डॉक्टर यहाँ पर हैं, वो यहाँ पर चेक यहाँ पर कर रहे हैं। ये आप देख सकते हैं कि अभी टाइम हो रहा है सिर्फ 2:15 यहाँ पर हो रहे हैं, और इनका जो इस्टेब्लिशमेंट सेक्शन है यहाँ पे कि अंदर हमने जाने की कोशिश की, जहाँ पे अटेंडेंस रजिस्टर्स यहाँ सब कुछ पड़ा होता है, ये आज 2:15 ही यहाँ पर ये बंद हो चुका है। साफ तौर पर देख सकते हैं कि कितना बड़ा ताला जो है वो यहाँ पर लटका हुआ है। रुख करेंगे BMO के कमरे का, यहाँ पर अंदर जाने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि BMO साहब यहाँ पर क्या कर रहे हैं और उनका क्या कहना है। तो साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि BMO साहब की कुर्सी भी यहाँ पर खाली पड़ी हुई है। टोटल अगर आपको बताया जाए तो हॉस्पिटल में, इस हॉस्पिटल में 15 से 20 डॉक्टर जिनकी ड्यूटी यहाँ पर है, उसके बावजूद भी यहाँ पर लोगों को इतनी शिकायतें हमारे पास आज सुबह से आ रही हैं कि जो कटरा का हॉस्पिटल है वो सिर्फ और सिर्फ दो आयुर्वेदिक डॉक्टरों से चल रहा है। एक डॉक्टर जो है आयुर्वेदिक, जिसका नाम डॉक्टर कौसर है, वो नीचे बैठा हुआ है, और एक डॉक्टर जो कि 22 नंबर कमरा जो है, जो कि कटरा हॉस्पिटल की एक रीढ़ की हड्डी माना जाता है कमरा, जिस कमरे में पूरे कटरा के मरीज जहाँ पर चेक किए जाते हैं, आज उस कमरे में भी एक ऐसे डॉक्टर को बिठाया गया है जो कि एक आयुर्वेदिक डॉक्टर है और वो ही मरीजों को यहाँ पर अटेंड कर रहा है। कटरा का कैजुअल्टी मेडिकल ऑफिसर 2 नंबर कमरा यहाँ पर की इमरजेंसी में डॉक्टर्स बैठते हैं, और आज एक डॉक्टर साहब यहाँ पर बैठे हुए हैं जिनकी ड्यूटी RBSK में है, और ये किस तरीके से यहाँ पर बैठे हुए हैं, इनसे बात करेंगे। डॉक्टर साहब आप अपना नाम बताइए हमें, क्या नाम आपका? डॉक्टर कौसर राणा। आप आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं या फिर आप मेडिकल ऑफिसर? अच्छा, तो आपकी ड्यूटी यहाँ पर है, इस चेयर पे आप बैठ सकते हैं? हाँ, इमरजेंसी कुछ देख सकते हैं हम। इमरजेंसी आपकी मतलब ब्रोकन ड्यूटी, हमने पहले भी हमने बड़ी बार देखा था कि आप यहाँ पर बैठे थे। RBSK क्या होता है आप बताइएगा प्लीज। एक मिनट, जस्ट मिनट। नहीं, आप बताइए, इनको देखते हैं बाद में, एक्सरे करा लो इसका। हम आपको सिर्फ ये पूछ रहे हैं कि ये जो पर्ची आप यहाँ पर लिख रहे हैं और यहाँ पर ये जो आप ये दवाइयाँ जो लिखते हैं, ये लिख सकते हैं आप? इमरजेंसी मैडम, इंजेक्टेबल से मैं वही बोल रहा हूँ कि आप यहाँ पर, आपकी ड्यूटी कहाँ पे है?
कटरा में ही है। कटरा में है, कौन सा डिपार्टमेंट? ब्लॉक में। कौन सा डिपार्टमेंट? राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, कृपया दर्शकों को बताइए कि ये क्या होता है? ये हम 0 से लेकर 18 साल तक बच्चों का ट्रीटमेंट जी, और उनका जो है जो भी उनका हो, हम 0 से लेकर 18 साल तक कर सकते हैं। कर सकते हो, जो भी उनको कोई परेशानी आ रही है तो इस इसके तहत आपको उन लोगों को दिखाना होता है। हाँ, अगर उनको उन बच्चों के लिए जो भी, आपका ऑफिस कहाँ पे है? ये सब नहीं, नहीं ऑफिस, आपका ऑफिस कहाँ पे है? RBS के यहाँ सब बदल। आप यहीं पे बैठते हो? नहीं, ऊपर भी है। यहीं पे बैठते हो आप? ऊपर भी है। ऊपर कहाँ पे? ऊपर सर, रूम में, पीछे हमारा बैक साइड। मैं डॉक्टर साहब आपको सिंपल पूछ रहा हूँ कि ये जो पर्ची आप यहाँ पर लिख रहे हो, ये आप लिख सकते हो इसको? एक्सरे करा सकते हो? एक्सरे करा सकते हो? दवाई लिख सकते हो यहाँ पर आप, जो आपकी क्वालिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर जो दवाई है? हमारे पास पेन किलर भी है जो हम दे सकते हैं सर, ऐसी बात नहीं। अच्छा, ठीक है। आपके द्वारा जो पर्चियां बाहर दी गई हैं, अभी मैंने 2-4 पर्चियां चेक की हैं, क्या वो पर्चियां आप लिख सकते हो? देखिए क्या है, इमरजेंसी कभी कभी 2-2 घंटे हम दिल दे सकते हैं। इमरजेंसी का मतलब क्या है कि 15 डॉक्टर्स की यहाँ पे ड्यूटी होने के बावजूद भी यहाँ पर डॉक्टर कौसर ही इमरजेंसी का मतलब होता है कभी कभार। तो आप परसों भी यहाँ पर बैठे हुए थे, आपकी रेगुलर ड्यूटीज यहाँ पर अपॉइंट की जाती हैं, ऐसा क्या है यहाँ? नहीं सर, रेगुलर नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये डॉक्टर कौसर हैं जो कि एक आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं और RBSK के तहत इनकी जो है वो इनकी इनको सेवाएं देने के लिए कहा गया है, पर उसके बावजूद भी गोलमोल जो जवाब दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि इमरजेंसी के चलते इनको यहाँ पर बिठाया गया है। और साफ तौर पर आपने ये देखा कि जब कैमरे पर ये आए तो इन्होंने कोई भी पर्ची पे, कोई प्रिस्क्रिप्शन पे दवाई नहीं लिखी, पर फिर भी हम आपको बताते चले कि ये वो कमरा है और ये वो डॉक्टर यहाँ पर बैठे हुए हैं जो कि यहाँ पर इस कमरे में अंडर रूल ये नहीं बैठ सकते, इस चेयर पर ये ड्यूटी नहीं दे सकते और इन पर्चियों पे जो ये दवाइयाँ लिखते हैं वो अंडर रूल ये नहीं लिख सकते हैं। उसके बावजूद भी ये किसकी मिली भगत है जिसके कारण कि ऐसे ऐसे डॉक्टर्स को यहाँ पर बिठाया गया है और ये शरेआम यहाँ पर लोगों के साथ यहाँ पर खिलवाड़ हो रहा है, जबकि इस अस्पताल में 15 डॉक्टर्स की तैनाती है और लाखों के हिसाब से उनको गवर्नमेंट तनख्वाह दे रही है। पूछना चाहेंगे हम LG प्रशासन से, पूछना चाहेंगे हम अपनी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से, DC मैडम से, अपने SEM से हम पूछना चाहेंगे कि एक बार अगर आप कटरा हॉस्पिटल का औचक दौरा यहां पर करें तो आपको पता चलेगा कि यहां पर स्थिति क्या है। एक और मज़े की बात हम आपको बताएंगे, ये आप यहां पर इनके स्टाफ का रोस्टर आप देख सकते हैं। स्टाफ ऑन नाइट ड्यूटी 29/9/2022 का ये रोस्टर यहाँ पर चेंज नहीं किया गया है। इसी से यहाँ पर अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस अस्पताल की जो सिस्टम है, इस अस्पताल का जो सिस्टम है, जो डॉक्टर्स का जो यहाँ पर सिस्टम है या फिर इनके सीनियर ऑफिसर्स का क्या सिस्टम है, यहीं से पता चल सकता है कि यहाँ पर कटरा की जनता के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ जो है वो हो रहा है। बेड आपने ऊपर देखा कि एक एक बेड पर 2-2 मरीज लेटे हुए हैं, अटेंड करने के लिए उनको कोई नहीं है। इमरजेंसी वार्ड्स की तरफ हम जाएंगे, यहाँ पर 15 डॉक्टर्स के होने के बावजूद भी अगर यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 2 आयुर्वेदिक डॉक्टर यहाँ पर हैं और उसके बाद जो आज इनका नर्सिंग स्टाफ है वो भी एक नर्सिंग स्टाफ जो है वो ऊपर है और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ 1 या 2 बंदा ही यहाँ पर है और वार्ड की स्थिति आप देख सकते हैं, एक एक बेड पर यहाँ पर 2-2 मरीज लेटे हुए हैं। इनके लिए त्यौहार कोई नहीं है, पर अनऑफिशियली हम आपको बताएं तो अगर डॉक्टर्स की बात की जाए तो आज भाई एक बहुत बड़ा दिन है, करवा चौथ का दिन है, तो आज डॉक्टर जो हैं यहाँ के कटरा अस्पताल के या डॉक्टर हो या फिर नर्सिंग स्टाफ हो, वो सारे का सारा आज जो है वो करवा चौथ मना रहा है और फिलहाल इन मरीजों को यहाँ पर भगवान के भरोसे, सबसे बड़े डॉक्टर के भरोसे यहाँ पर छोड़ा गया है। लिहाजा एक बार फिर हम एडमिनिस्ट्रेशन से गुहार लगाएंगे कि इस अस्पताल को जो कायाकल्प का जो बेस्ट CHC सेंटर का जो अवार्ड मिला गया था, कृपया करके उसकी ही थोड़ी सी शर्म हया उसकी रखें और यहाँ पर थोड़ा सा इनको चेक किया जाए कि आखिरकार अगर 15 डॉक्टर्स के होने के बावजूद भी यहाँ पर अस्पताल जो है वो 2 आयुर्वेदिक डॉक्टरों के सहारे छोड़ा जाता है तो इसके पीछे क्या कारण है, क्या मिली भगत है और क्या क्या इसके पीछे हो सकता है, कृपया करके आप ये बताएं। और इतना अगर आप काम कर देंगे तो कहीं ना कहीं पर कटरा की जो जनता है वो उसका थोड़ा सा भला हो जाएगा। जुड़े रहिए जम्मू परिवर्तन के साथ, मैं हूँ सुशील शर्मा, वीडियो जर्नलिस्ट मोहन चंद के साथ। जय हिंद।
जय भारत।